बाल वी रिटर्न्स को ऑफर हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और जब से ये खबर मिली है कि ये शो जल्द ही टीवी पर वापसी करेगा, तब से फैंस बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन इन दिनों बाल वी रिटर्न्स सीजन 3 को लेकर बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है कि तेज जोशी बाल वी रिटर्न्स सीजन 3 नहीं होंगे। आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को पूरा देखना, और आज हम आपके और भी क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। वैसे वहाँ पर ऐसे सवाल पूछ लेते हो जिनके जवाब देना मुश्किल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाल वी रिटर्न्स में बल्लू ने मोंटू को क्यों नहीं पहचाना। इसका एक ही जवाब है कि मतलब बालवीर और बालवीर रिटर्न्स दोनों शोज अलग अलग है। ये ही सबसे बड़ी गलती थी कि मोंटू की एंट्री तो हो गई, लेकिन अगर मानव महर और रानी परी को भी दिखा देते तो ये शो बंद नहीं होता। चलिए आपको मतलब आपके सवालों के जवाब देते हैं कि क्या इस शो में डीजे यानी देव जोशी नहीं होंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। दोस्तों क्या आपने शक्तिमान शो देखा ही होगा। दोस्तों ये एक ऐसा शो था जिसे सब पसंद करते थे। क्या शक्तिमान बच्चा था? नहीं, उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। क्यों, क्या इस शो को लोगों ने पसंद नहीं किया? दोस्तों उस शो को सभी ने पसंद किया, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। अब रही बात देव जोशी की, तो दोस्तों मुकेश खन्ना से डीजे की मतलब देव जोशी की एज बहुत ही कम है, और बालवीर के किरदार के लिए परफेक्ट है। और कई लोग तो कहते हैं कि अगर सीज़न 3 आने तक देव जोशी बालवीर के किरदार के लिए परफेक्ट बैठे तो ही वो इस मतलब सीज़न 3 में होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। लेकिन एक सवाल, देव जोशी बड़े हो रहे हैं, आप एक सवाल का जवाब दो। मानते हैं कि देव जोशी बड़े हो रहे हैं, तो क्या इस शो को देखने वाले लोग बड़े नहीं हो रहे? नहीं, वो क्या छोटे हो रहे हैं क्या? नहीं ना, वो भी तो बड़े ही हो रहे हैं ना। तो क्या वो इस शो को देखना बंद कर देंगे बड़े हो रहे तो? क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें उस शो में भी देव जोशी देखने को मिलते हैं। लोग सिर्फ देव जोशी के लिए उस शो को देखते हैं, और अगर देव जोशी नहीं होंगे तो वो इस शो को देखेंगे ही नहीं, और ऐसा हुआ तो ये शो आने से पहले ही बंद हो जाएगा। सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, जो लोग कहते हैं कि मतलब ये शो वापस आने तक देव जोशी उस सूट में परफेक्ट होंगे तो ही वो बालवीर शो में रहेंगे, जो लोग मतलब इस शो को देखते हैं मतलब शुरू से ही इस शो को देखते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले सीजन में बालवीर की कॉस्ट्यूम अलग थी, फिर देव जोशी थोड़े और बड़े हुए तो उनकी कॉस्ट्यूम अलग थी, अब देव जोशी और बड़े हो गए तो उनकी कॉस्ट्यूम अब अलग है। दोस्तों आपने देखा ही होगा कई बार बालवीर की कॉस्ट्यूम चेंज हुई, और ये भी हो सकता है कि इस बार भी चेंज हो जाए, बिल्कुल चेंज हो सकती है, क्योंकि बालवीर हमें अलग अलग रूप में एंटरटेन करने आता है, कुछ नया लेकर आता है। तो हाँ, मुझे भी लगता है कि इस बार बालवीर की कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए, तो आप बेफिक्र रहिए, आपको देव जोशी नए सीजन में देखने को मिलेंगे, और अगर नहीं होंगे तो उस शो को कोई नहीं देखेगा। क्या आप देखेंगे? नहीं, हमें कमेंट में तो ज़रूरी बताइए, हमें कमेंट में ज़रूर बताए। जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या उस शो में रुद्र, सोनी या अनुष्का सेन होंगे, तो इस पर हमने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, और तो मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपके इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल, और ये सवाल मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लगा दिया हूँ, और जो भी इस सवाल का जवाब सही देगा उसको एक शॉर्ट आउट भी मिलेगा। सवाल है कि बालवीर शो को मतलब बालवीर शो बाकी सुपर हीरो शो से क्यों अलग है, और अपना जवाब ज़रूर दें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और बालवीर के फैंस हो तो यार वीडियो को तो लाइक कर देना, और सवाल का जवाब तो ज़रूर ही देना।